हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली कॉमेडी। सो आज हम यहाँ पर आज बात करने वाले हैं नेचुरल गैस के 21 अक्टूबर फ्यूचर्स यहाँ पर करंटली मार्केट में किस तरह से ट्रेड कर रहे हैं और यहाँ पर आपको किस तरह का प्राइस मोमेंटम जो है वो यहाँ पर हमें फॉलो ऑन होते हुए देखने को मिल सकता है। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले अगर मैं कल के सेशन की बात करूँ तो कल का सेशन भी काफ़ी अच्छा यहाँ पर हमें देखने को लेडीज, अच्छा सपोर्ट लेवल था हमारे पास डे की लो कैंडल का, जिसको यहाँ पर ब्रेक किया और शॉर्ट पोजीशन के अंदर हमें एक अच्छा सा टारगेट जो है डाउन साइड के अंदर वो यहाँ पर हमें देखने को मिला। डेडीज 370 से लेकर नियरली आप देख सकते हो डेडीज ऑलमोस्ट 5 से 6 पॉइंट तक यहाँ पर जो है डाउनवर्ड मूवमेंट जो है यहाँ पर हमें क्लियरली देखने को मिला है। और उसके साथ साथ में अगर हम यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूशन का अगर हम देखें तो यहाँ पर बहुत ही प्रॉफिटेबिलिटी स्टेट जो है यहाँ पर हमें अच्छी सी रिकवरी यहाँ पर हमें जरूर देखने को मिली थी। बट एज ऑन द फैक्ट अगर हम यहाँ पर देखें तो वॉलिटिलिटी काफी अच्छी और एक अच्छा सा अप ट्रेंड यहाँ पर हमें देखने को मिला है। सो इस तरह के अप ट्रेंड को अगर हम यहाँ पर अच्छी तरीके से एनालाइज करें तो बहुत सारे ट्रेडर ने यहाँ पर भी लॉन्ग पोजीशन बनाई होगी, जब यहाँ पर क्लियर इंडिकेशन था फॉर लॉन्ग पोजीशन, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी ब्रेक किया और उसके साथ साथ में RSI का भी एक पॉजिटिव सेंटीमेंट था। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पर बहुत ही अच्छा सा टारगेट यहाँ पर हमें लॉन्ग पोजीशन के अंदर देखने को मिला है। अब ये तो बात हुई कल के सेशन के लिए। सो आज के सेशन के लिए सबसे अच्छा और इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा फॉर गोइंग लॉन्ग पोजीशन, दैट इज 382.52 या फिर 383 के प्राइस लेवल के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो यहाँ पर हम लॉन्ग पोजीशन के लिए वेट कर सकते हैं कि एक अच्छा सा टारगेट यहाँ पर हम अपसाइड के अंदर देखने को मिल सकता है। फर्स्ट टारगेट आप यहाँ पर नियरली बना के चलिए 383 से लेके 388.5 या फिर 5 से 6 पॉइंट का जो टारगेट है वो आप यहाँ पर फॉर अ टाइम बिंग यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हो। और उसके साथ साथ में अपना जो प्रॉफिट या फिर अपने जो शॉर्ट पोजीशन का जो टारगेट होगा वो आप विद द इंडिकेशन ऑफ MACD अपने डिसिप्लिन को ट्रेड कर सकते हो। RSI के मोमेंटम की बात करो तो ज्यादा कोई वोलेटाइल स्टेट देखने को नहीं मिल रहा है, कैंडल्स भी काफी कम मूवमेंट में यहाँ पर ट्रेड कर रही है। सो इस तरह का स्टेज काफी इंपॉर्टेंट हो जो कि हमें यहाँ पर कल भी मॉर्निंग सेशन के अंदर देखने को मिला था। बट फिर भी आप देख सकते हो कि बहुत अच्छा सा प्राइस एक्शन यहाँ पर हमें फॉलो होते हुए देखने को मिल रहा है। RSI का मोमेंटम पॉजिटिव सेंटीमेंट में यहाँ पर जाते हुए ज्यादा देखने को मिल रहा है, अच्छा सा नेगेटिव सेंटीमेंट यहाँ पर हमें बहुत ज्यादा गैप जो है देखने को मिला था। तो मैंने आपको क्या बोला था कि ये जो गैप है वो कवर होगा। सो आप देख सकते हो कि कल के सेशन के अंदर ही ये जो गैप है वो कवर हो चुका है। सो स्लोली एंड स्टेडीली ये जो गैप है वो भी अक्टूबर फ्यूचर्स या फिर नवंबर फ्यूचर्स के अंदर नेचुरल गैस के अंदर यहाँ पर आपको कवर होते हुए जरूर देखने को मिल सकते हैं। सो होप करता हूं कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी एज वेल एज ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू ऑन एन इंट्राडे बेसिस लेवल्स एज वेल एज टारगेट्स यहाँ पर आपको मेंशन कर दिए हैं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और माय चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।